बिहार में अपराध की घटना रुक नहीं रही है। बिहार जब राजनाथ सिंह जी ने कबूल कर लिया कि हत्या पूरे देश में सबसे अत्यधिक उत्तर प्रदेश और बिहार में होता है, आखिर क्या किया जाए कि ये घटनाक्रम रुकेगी? सवाल ही नहीं उठता है। जिस तरीके से माफियाओं के गोद में सरकार और नेता बैठ चुकी है ना, जिस तरीके से माफियाओं को और दलालों को लूटने की आदत लग चुकी है, मौत सर पर चढ़ के बोलता है। ये सिर्फ सिर्फ मौत, सिर्फ लूट, ये दूसरों को लूटने की प्रवृत्ति माफियाओं की और दलालों की जो है, ये मौत का सबसे बड़ा कारण। आप जिस घटना को देखिए, सिर्फ उसके पीछे पैसा है। अभी जो अहिल बार आप में किसी घटना को देख लीजिए, सिर्फ पैसा, सिर्फ वर्चस्व, पैसा वर्चस्व, खुद के अहंकार का सबसे बड़ा घटना जीता जाता। समस्तीपुर जिले में फिलहाल जिस समय से दीपक रंजन एसपी के रूप में आए हैं, उस समय से समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में क्राइम कुछ ज्यादा बढ़ गई है। भैया मैं अभी तक समस्तीपुर में लगभग, मुझको लगता है कि इस 4 महीने के अंदर 2 बार समस्तीपुर में बंद कर चुका हूं, और खुद मुझे सड़क पर उतरना, और 4 महीने के अंदर लगभग 12 से ऊपर लाश हम समस्तीपुर में देख चुके हैं। बेटी को उठा के ले जाता और एसपी के मिली भगत से बेटी को लौटा देता है। आखिर दोषी कौन, वर्तमान सरकार या अधिकारी? अधिकारी बगैर नेता और सरकार के एक कदम नहीं बढ़ सकता। ये लोग नक्सेस है और इन लोगों के खिलाफ जन ठुकाई अभियान आवश्यक है। जन का उबाल, जन आंदोलन बहुत आवश्यक है। ये घटना छोटी नहीं है। इतने लोकप्रिय, इतने अच्छे नेक इंसान, जो आदमी सबके प्रिय थे और सबके लिए जीते थे, उसको मार देना, मैं समझता हूँ एसपीडी ट्रायल, मैंने डीजी से भी अभी बातचीत की है, आईजी दरभंगा भी मैंने बातचीत की है, डीजी ने कहा कि बहुत कठोर एक्शन लेंगे, हम एसपीडी ट्रायल की मांग करेंगे और जरूरत पड़ेगा तो हम इस घटना को एसआईटी से भी जांच करेंगे। सीबीआई जांच करिए सर।